ओवरथिंकिंग। ये शब्द काफी लोगों से सुना होगा आप सबने, या खुद ने भी यूज किया होगा, और शायद काफी समय से इससे स्ट्रगल भी कर रहे होंगे। हर बुरी आदत को छोड़ने में समय लगता है और काफी प्रैक्टिस भी। तो कुछ चीजें आज मैं आपको बताना चाहूंगी जिसे करने से आप इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। डाइवर्जन। थिंक तो सब करते हैं, सोचते सब हैं, चिंता भी सबको होती है, पर जब वो चिंता आपके मेंटल हेल्थ पर बनाए तो ओवरथिंकिंग कहलाती है। तो कोशिश करें कि आप उस समय पर ध्यान दें जब आप थिंकिंग से ओवरथिंकिंग की ओर बढ़ रहे हैं, और जैसे ही उस ओर बढ़ने लगे अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करें। कहीं पर भी, चाहे अपनी हॉबीज के थ्रू, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना। आपने हमेशा नोटिस किया होगा जब आपका ध्यान कहीं और होता है तो वो ओवरथिंकिंग के ख्याल आपके दिमाग में नहीं आते। इसीलिए कोशिश करें कि जब भी ओवरथिंक करने लगे तब खुद को दूसरी ओर डाइवर्ट कर ले। मेडिटेशन। हम दुनिया की हर चीज पर कंट्रोल करना चाहते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि अगर खुद के माइंड को कंट्रोल नहीं किया तो दुनिया में सब कुछ पाकर भी दुखी ही रहेंगे। और अगर अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो मेडिटेशन से अच्छी चीज और कुछ नहीं। उसे चाहे आप योगा के रूप में करें, चैंटिंग के रूप में करें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके करें, ये सब कुछ मेडिटेशन के अंदर ही आते हैं और आपके माइंड को कंट्रोल करने के बेस्ट वेज है। नंबर 3, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू पीस। एक्सेप्ट योर पास्ट एंड योर प्रेजेंट। हम कई बार अपने मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं करते, अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, और वो ही हमें आगे बढ़ने नहीं देते। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। खुद पे इतना हार्श होना बंद करिए और खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करिए। स्टे बिजी। खुद को थोड़ा व्यस्त रखिए, क्योंकि हम सब ने अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने बड़े बुजुर्गों के थ्रू एक बात जरूर सुनी है, खाली दिमाग शैतान का घर। जब हम खाली बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, तो अपने आप ही अनशन ख्याल हमारे मन में आते हैं जो धीरे धीरे ओवरथिंकिंग की ओर हमें लेकर जाते हैं। तो कोशिश करिए, चाहे आपके हॉबीज के थ्रू हो, चाहे कोई काम के थ्रू हो, चाहे पढ़ाई करना, बुक्स पढ़ना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जॉब में बिजी रहना, पर कहीं भी बिजी रहना, अपने दिमाग को व्यस्त रखिए ताकि वो बुरे ख्यालों की ओर ना जाए। और लास्ट में, स्टार्ट राइटिंग। मुझे नहीं पता आपने सुना है कि नहीं, पर लिखना एक बहुत अच्छी हैबिट होती है अपने माइंड को बेटर फील कराने के लिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हर बार हमें लोग नहीं मिलते जिन्हें हम अपनी बात बता सके, और शायद हर बार हर किसी को अपने मन की बताना भी अच्छी बात नहीं। तो क्या करें, कहीं ना कहीं तो बोलना है, तो उससे अच्छा है लिखना शुरू करिए। जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती वो भी लिखिए, जो गोल्स आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो भी लिखिए, जो भी लोगों की बुरी आदतें आपको खराब लग रही है, आपकी ग्रोथ को रोक रही है, आपके मेंटल पीस को खराब कर रही है, वो भी लिखिए, और जो अच्छी चीजें आप फ्यूचर में अपने लिए चाहते हैं वो भी लिखिए। इन टोटल जो भी आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं वो शेयर करने की बजाय खुद के साथ लिख कर शेयर करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके इमोशंस को आप हैंडल कर पा रहे हैं, आपकी माइंड को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, और डिसीजंस बहुत अच्छे से ले पा रहे हैं। तो कोशिश करिए इन 5 चीजों को आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सके, और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी ये जो ओवरथिंकिंग की हैबिट है वो कम होने लगेगी।